वही अभय सिंह है, अभय सिंह चौटाला वही है, कोई बदलाव आदमी बदला नहीं है। अब 46 आ रही है, सत्ता आ रही है, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाने जा रही है, और आपके घर को रोटी देने की सजा उस आदमी ने अगर भुगती है तो आपके बच्चों के लिए भुगती है, उसने अपने बच्चों को नौकरी नहीं लगाया। हम लोग भी बेरोजगार थे, हमारा भी ताऊ था, कितने करोड़ों के तुमने घपले किए हैं। मैं तो बीजेपी में था, मेरे सामने तो बीजेपी वाले रोया करते, ये तुम्हारे भतीजे हैं यार, ये तो चंबल घाटी डक्कू से भी खतरनाक है, कि बेटा पीछा है तो हेलीकॉप्टर है, अब तू तो जेट हवाई जहाज चढ़ सके बेटा, सारों की गर्स के मार्कन है कौन। सवाल संख्या बल का नहीं है, और हमारे तो कितनी विधानसभाओं में चुनाव लड़ रहे हैं, 90 की 90 सीटों पे गठबंधन लड़ रहा है, अब उनको तो हम 4 दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो नहीं। अब मैं यही सवाल उनसे पूछूं भी, कांग्रेस में वो एक ही लड़ रहे हैं, 89 सीटें खाली है, ऐसा नहीं है। रात को गांव में रुकता था, कभी मेढ़ी पे, कभी धर्मशाला में, कभी SC चौपाल में, वो हम लोगों को कॉपी कर रहे थे चुनाव के दौरान। वोटर को पता है जो आज हेलीकॉप्टर चढ़ गया कल तुम्हें हाथ कैसे आएगा, आदमी ज़मीन पे हो तो पकड़ लें, अब हेलीकॉप्टर वाले को कैसे पकड़े। पन्नू साहब आपके पास हेलीकॉप्टर हो जाए तो हमारा हाथ ही गोनिया हो। न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभु जी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। तबीयत बताइएगा आपकी कैसी है? मेरी कुछ ठीक है, पूरी तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ। तो अभी डॉक्टर साहब ने परमिशन दे दी है? ना ना, वो कह रहे हैं रेस्ट करो, पर चुनाव का टाइम में रेस्ट हो नहीं पा रहा, पर टिके टुके लगा के काम चल रहा है। अच्छा। मैं इंजेक्शन लगा के धीरे धीरे अपना काम कर रहा हूँ। भाई साहब आप लगातार कंपेन कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पन्नू साहब ईमानदारी की बात है, हर आदमी में उत्साह है, हर आदमी ये मानता है कि आदित्य ने काम किए हैं, और वो कह रहे हैं मैं हम तेरे काम का मूल मोड़ेंगे, बहुत प्रेम मिल रहा है। तो अभी कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस से भी कुमारी सैलजा ने सिरसा के चुनाव में एंट्री मार ली है, पहले नाराज चल रही थी, अब जो है वो आ करके जो है वो काफ़ी सारी आग उगल रही है। देखिए ऐसे है कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि कांग्रेस के अंदर धड़ाबंदी है, या आप खुद ही देख सकते हो कितना वो लेट आए, आने के बाद भी कोई असर नहीं है, क्योंकि उनको इतने भारी बहुमत से लोगों ने जिताया था, उनका तो काम था कि वो पहले दिन ही लोगों में धन्यवाद करने आती, लेकिन वो धन्यवाद 10 गांव में, 1 गांव में चली गई। क्या 9 गांव के लोगों ने वोट नहीं दिए थे? हर गांव के आदमी ने वोट दिए, हर गरीब मोहल्ले के आदमी ने वोट दिए, हर किसान ने दिए, हर जवान ने दिए, हर नौजवान ने दिए, हर बेटी ने वोट दिया, लेकिन कभी किसी गाँव में जाके उन्होंने धन्यवाद नहीं। लोगों को इस बात का अफसोस है कि इतने भारी उत्साह था लोगों में, लेकिन आज लोग मायूस हैं। मैं ये मानता हूँ कि उनके आने का कोई असर नहीं है, और सबसे बड़ी हैरानी की बात है, मैं तो बारंबार आप लोगों के माध्यम से ये कहता हूँ कि अगर इतना ही अच्छा MLA था, है, अब चुनाव है, अब तो पूर्व MLA है, तो इनको लोगों को लाके और ये दिखाने की क्या जरूरत है? कभी ये पंजाब से लीडर ले आते हैं, कभी दिल्ली से ले आते हैं, कभी राजस्थान से ले आते हैं, लोगों को पता है कि ये 5 तारीख के बाद कोई नहीं आएगा, 5 तारीख के बाद कोई नहीं आएगा, ये खुद ही नहीं आएगा, ये चुनाव जीतते ये यहाँ रहा ही नहीं, ये खुद ही चला गया था, ये हालात है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारी सैलजा देरी से आई है, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए कांग्रेस धड़े में सिमटी हुई है, बहुत बुरा हाल है, धड़ाबंदी है, इसीलिए हालात ये है कि कांग्रेस की तो 25 सीटें भी नहीं आ रही, जो लोगों में का हुआ इन्होंने पैदा कर रखा था। अब लोगों को इस बात का पता लग गया कि कांग्रेस के तो अंदर बहुत बुरी लड़ाई चल रही है, हर ज़िले में गुट है और धड़े हैं, आप ये देखो जब वो आई तो दूसरा गुट नहीं आया, हर ज़िले में 3-3 गुट हैं और उन तीनों गुटों की आपस में लड़ाई चल रही है, और जनता अब बहुत समझदार हो गई है, जनता को पता लग गया कि अब ज़्यादा लोग ये इस तरीके के लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते कांग्रेस के लोग, इन्होंने 60 साल लोगों को पागल बनाने का काम किया, कभी गरीबी दूर करने के नाम से, कभी किसी को बरगलाने का, किसान के नाम से बरगलाने का, लेकिन सबसे बड़े षड्यंत्रकारी और मैं ये मानता हूँ कि जिन्होंने हिंदुस्तान का शोषण किया यही लोग थे,
डॉक्टर केवी सिंह लगातार इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्हें लोग किस ऐसे से कहते हैं कि सरकार बनाएंगे, उनके कहते हैं चार ही सदस्य पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, आदित्य है, अभय है, अर्जुन है और सुनैना है, तो कहते हैं चार लोगों से सरकार बनने वाली नहीं। केवी सिंह अभी मैं ये मानता हूँ मेरे तो ताऊ हैं, मैं तो उनका सम्मान करता हूँ, पर कहीं ना कहीं केवी सिंह जी अब धीरे धीरे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है शायद वो मुझे लग रहा है कि वो थोड़े डिस्टर्ब हैं। मधु कोड़ा एक ही था और मुख्यमंत्री बना, सवाल संख्या बल का नहीं है। और हमारे तो कितनी विधानसभाओं में चुनाव लड़ रहे हैं, 90 की 90 सीटों पे गठबंधन लड़ रहा है, अब उनको तो हम चार दिखाई दे रहे हैं बाकी तो नहीं। अब मैं यही सवाल उनसे पूछूं भी कांग्रेस में वो एक ही लड़ रहे हैं, 89 सीटें खाली है, ऐसा नहीं है। जनता जनार्दन जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के जो थानेदारी सिस्टम था इससे पैड़ा छुटाना चाहती है। कांग्रेस ने लूटने का काम किया और बीजेपी ने ये पोर्टल और ऑनलाइन की सरकार चलाई, अब लोग पोर्टल और ऑनलाइन को बंद करके और ये कांग्रेस का जो खूनी पंजा इसको साइड पे करके इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, निश्चित तौर पे उनकी सरकार बनेगी। अभी बीजेपी भी हेलीकॉप्टर से प्रचार करने का नया ट्रेंड लेके आई है, हेलीकॉप्टर से प्रचार उनके साथ है, उड़न खटोले से बड़ी हैरानी की बात है जाखड़ साहब कि मैंने डोर टू डोर शुरू किया, 32 गांव मैंने डोर टू डोर निकाले, मेरी शायद मैंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं दिया, मेरी शायद वहां से बिगड़ी होगी। उसके बाद मैं रात को गांव में रुकता था, कभी मेड़ी पे, कभी धर्मशाला में, कभी एससी चौपाल में, वो हम लोगों को कॉपी कर रहे थे चुनाव के दौरान कि कैसे वोट मिले, कैसे लोगों को रिझाएँ। फिर उन्होंने देखा कि अब पैसा फेंक के देखते हैं, तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी, गांव में हम इतना पैसा बांटेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, दाल नहीं गली, लोग इकट्ठे नहीं हुए, 4-4 करोड़ की गाड़ियों में घूमने लग गए, लोग देखते थे ये सेल्फी वाले नौजवान बच्चे फ़ोटो खिंचाने के लिए नज़दीक आ जाया करते थे, शाम को इंस्टाग्राम फेसबुकों पर वो गाड़ियों की फ़ोटो डालते थे। धीरे धीरे उन्हें पता लगा कि इससे भी बात नहीं बन रही, फिर उन्होंने वो एक रावण है उससे गठबंधन कर लिया, उससे भी बात नहीं बनी, फिर इन्होंने सोचा अब क्या करें, फिर चौरंजीत सिंह के पास गए, चौरंजीत सिंह को भी कोई आदमी मिला नहीं इनके सिवाय, तो उन्होंने इनसे गठबंधन कर लिया, उससे बात नहीं बनी, फिर इनसे अब क्या करें, तो ये हेलीकॉप्टर ले आए, अब ये गांव-गांव हेलीकॉप्टर ले घूम रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे तो राजी होते हैं लेकिन वोटर नहीं, वोटर को पता है जो आज हेलीकॉप्टर चढ़ गया कल तुम्हें हाथ कैसे आएगा, आदमी ज़मीन पे हो तो पकड़ लें, अब हेलीकॉप्टर वाले को कैसे पकड़े, पन्नू साहब आपके पास हेलीकॉप्टर हो जाए तो हमारा हाथ ही गुनिया हो, हाथ ही गुनिया हो आ जाओगे। अब ये ऐसे हथकंडे अपनाने लगे, मैं ये मानता हूँ राजनीतिक तौर पर ये खोखला हो चुके हैं, राजनीतिक तौर पर लोगों के अंदर एक्सपोज हो चुके हैं, जनता में एक्सपोज ना होते एक बैम रहता, एक भ्रामिक स्थिति रहती, लेकिन उन्होंने अपना वहम निकाल लिया, पता नहीं इनको किस चीज़ का घमंड है, पैसे का घमंड है या ताकत का घमंड है या इनको अपनी है बोली पे घमंड है कि ये इतना कटु शब्द यूज़ करते हैं कि इनको लगता है कि हमारे ऐसे बोलने से आचरण से लोग भयभीत हों। तो ये मैं ये मानता हूँ कि ये चुनाव के अंदर जनता देखो समय आने पर इनको जवाब दे देगी। कल कारिया के अंदर भी दिग्विजय चौटाला ने जो है अभय सिंह पे काफ़ी हमला बोला है कि महम कांड याद करवाया था और उसके बाद बोला था कि तो ताऊ देवीलाल की विरासत को राजनीति को ख़त्म करने वाला एक ही इंसान है, तो इससे ये पूछना था तूने बचा ली, तुम लोगों ने बचा ली, हरियाणा के बच्चे बच्चे को पता है कितने करोड़ों के तुमने घपले किए हैं, मैं तो बीजेपी में था मेरे सामने तो बीजेपी वाले रोया करते, ये तुम्हारे भतीजे हैं यार, ये तो चंबल घाटी डाकू से भी खतरनाक है, इतना पैसा तो डाकुओं ने अंग्रेज़ों ने नहीं लूटा होगा जितना इन लोगों ने लूट लिया, अगर इन्होंने ना लूटा होता थेर मैं तो हेलीकॉप्टर कौन चढ़िया, आपने कहा तो गाडो है, मैं तो कहूँ लोगों ने मेरे गाडो काडो, आप तो हेलीकॉप्टर कौन चढ़िया, आप तो देखा दूर हेलीकॉप्टर भैया हो हेलीकॉप्टर उड़े जी ने राजी कर लिया भी ऊपर टप गयो 5 मिनट देख लिया सारे तो कौन लागे कदी आप, मैं तो कभी चढ़ी कौन नहीं, मेरे तो हेलीकॉप्टर चढ़ी कौन देखो ही कौन, हाँ भाई मुख्यमंत्री उतरता बाणो हेलीकॉप्टर देख लेता राजी हो जाता भाई हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर लेके जो आदमी गांव-गांव घूम रहा है और वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है, आप ये पूछो कि क्या वो पॉलिटिकल जो कर रहे हैं पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जब जब किसी व्यक्ति ने नेगेटिव पॉलिटिक्स की है
उसका विध्वंस हुआ है। सकारात्मक राजनीति, स्वच्छ राजनीति आपको आगे बढ़ाएगी, चाहे कोई परिस्थिति हो। बुरा वक्त हर एक का आता है, हम भी बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं। मैं पिछला चुनाव हार गया था, मैं उस दौर से गुजरा हूँ, कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी का दौर है। एक दौर वो था, एक दौर ये है, लेकिन कभी भी आदमी को संयम नहीं खोना चाहिए। हाँ, इन बुरे दौर से हम बहुत कुछ सीखते हैं। मेरे अंदर भी बहुत बदलाव आए, मैंने अपने आप की कमियाँ दूर की, अभी भी हो सकता है मेरे में बहुत कमियाँ हो, समय के थपेड़ों से हम लोग सीखेंगे। तो मैं तो अब शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि बेटा पीछा है तो हेलीकॉप्टर है, अब तू तो जेट हवाई जहाज चढ़ सके बेटा, सारों की कर सके, मार्कन है को नहीं। चौधरी रणजीत चौटाला ने भी कहा कि मुझे मेरे भाई पर तरस आ रहा है, इतनी उम्र में बस में लेके उनको प्रचार करवा रहे हैं, उनको नहीं पता मैं बस में बैठा हूँ कि घर पे बैठा हूँ। ना, ऐसा नहीं है। आपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बयान सुने होंगे, सोशल मीडिया पे बयान वायरल है, कितना सटीक और मैं ये मानता हूँ कितनी समझदारी से वो चीज़ों को लोगों को समझा रहे हैं। उनका जो IQ लेवल है, IQ लेवल गजब का है। इस उम्र में भी आप पत्रकार हो, आपने कवर किया होगा, रमेश जी आपने कवर किया होगा, आज भी उनको पता है कि BJP ने क्या भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस ने क्या किया, और इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आने पे क्या भला करेगी, हमारे विचार क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी पॉलिसीज़ क्या है, हमारे घोषणा पत्र में वायदे क्या हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे तो ताऊ हैं, बाप समान हैं, चौटाला साहब भी मेरे ताऊ हैं, चौधरी रणजीत सिंह भी मेरे ताऊ हैं, पर ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे हर आदमी देखता है, लोग उनको देखने जा रहे हैं, लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लोग उनके विचार सुनने जा रहे हैं, लोगों के लिए उन्होंने जेलें काटी है, संघर्ष किया है। पन्नू साहब, जिस दिन आपका बेटा नौकरी कोई लगाए आप उसको दुआ दोगे, अरे वो नौकरी के चक्कर में अगर जेल जाए पन्नू साहब आप रोटी नहीं खाओगे, उसने आपके घर को रोटी देने का काम किया है, और आपके घर को रोटी देने की सज़ा उस आदमी ने अगर भुगती है तो आपके बच्चों के लिए भुगती है, उसने अपने बच्चों को नौकरी नहीं लगाया। हम लोग भी बेरोज़गार थे, हमारा भी ताऊ था, लेकिन मैं आज एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो वक्त निकलने पे चीज़ों का एहसास होता है, हो सकता है हम लोग प्रतिद्वंद्वी रहे होंगे, लेकिन वक्त के थपेड़े हर चीज़ का एहसास कराते हैं। आज मैं सलाम करता हूँ उनकी मेहनत को कि आज भी इस उम्र में भी, इस पड़ाव में भी लोगों के बीच में हैं। वो किसी की मानते नहीं, हमारी भी नहीं मानते, अभय सिंह की नहीं मानते, उनने जो सोच ली वो करेंगे, और उनका मन है कि मैं पूरे हरियाणा में घूमूं, वो घूम रहे हैं, हम रोक नहीं सकते। तो बस इसी मन से, इसी मेहनत से चौधरी रणजीत सिंह ने एक बात और कही है कि जब चौटाला साहब और अजय सिंह जेल गए थे तब 31 सीटें देकर के गए थे, और जब बाहर आए तो अभय सिंह ने उनको एक पे ला के रख दिया। अब 46 आ रही है, वही अभय सिंह है, अभय सिंह चौटाला वही है, कोई बदलाव आदमी बदला नहीं है। अब 46 आ रही है, सत्ता आ रही है, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाने जा रही है।